नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद में मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार सीएम मनोहर लाल खट्टर ने टोहाना में एक नए बस स्टैंड की घोषणा की थी, लेकिन खास बात यह है कि अब इस घोषणा को ही रिजेक्ट कर दिया गया है। नए सिरे से बस स्टैंड के लिए जमीन तलाशी जाएगी और सारी की सारी प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू होगी। बस स्टैंड का प्रस्ताव और प्रपोजल रिजेक्ट होने के बाद टोहाना के विधायक देवेंद्र बबली ने तुरंत अधिकारियों की बैठक बुला करके सीएम की इस घोषणा को लेकर चर्चा की। वहीं अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल जिस जगह पर बस स्टैंड बनाने का प्रस्ताव भेजा गया था उसी भूमि के मालिक से बातचीत की जा रही है और पूरी कोशिश की जाएगी कि बस स्टैंड उसी जगह पर बनाया जाए। वहीं रोडवेज विभाग के जीएम कृष्ण कुमार ने आज विधायक देवेंद्र बबली के साथ इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर के चर्चा की और बस स्टैंड बनाने की सीएम मनोहर लाल खट्टर की इस पहली घोषणा को खटाई में पड़ने से रोकने के लिए विभाग के हाथ पांव मारने में लगा हुआ है। उधर विधायक देवेंद्र बबली ने भी सीएम की पहली घोषणा के तौर पर देखी जा रही टोहाना बस स्टैंड की प्रोजेक्ट को पाइपलाइन में रखने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रखा है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कुछ तकनीकी कारण और विभाग की पॉलिसी के दायरों के तहत चिन्हित भूमि के मालिक द्वारा कीमत अधिक मांगने पर फिलहाल टोहाना में नया बस स्टैंड बनाने का प्रोजेक्ट रुका हुआ है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द अमलीजामा पहनाने के लिए अधिकारियों से बातचीत की गई है। टोहाना में नया बस स्टैंड जरूर बनेगा। उन्होंने कहा कि मुझे सीएम मनोहर लाल खट्टर पर पूरा भरोसा है और वे इस मामले को जरूर संज्ञान में लेंगे। पल पल फतेहाबाद से राजेश फांबू की विशेष रिपोर्ट। बताया कि जो बस स्टैंड का मामला है, बस स्टैंड अभी रिजेक्ट हो गया है बनाया, क्या मामला है ऐसा? देखिए, ये जब पिछली सरकार के दौरान हमारे मुख्यमंत्री जी, पिछली सरकार थी, मुख्यमंत्री घोषणा में अपने बस स्टैंड को यहाँ से बाहर लेके जाने जा रहे, क्योंकि पानी भराव की और पूरे लंबे समय से एक समस्या बस स्टैंड की चली आ रही थी। इसमें सरकार के द्वारा ई पोर्टल के माध्यम से जमीन मांगी गई थी, उसमें 4-5 साइटें यहाँ जिनकी लैंड थी उनके द्वारा विभाग को दी गई, उसमें विभाग ने भी सिलेक्ट भी कर दिया था। और जब हम विधायक बने तब भी ये मामला हमारे से भी डिस्कशन हुआ था। तो पिछली सरकार के जो काम, पिछली सरकार में जो प्रबल थे उन पे एक बार चर्चा में आए थे हमारे सामने भी, हमने तो कहा था जी ठीक है इनको आप गो थ्रू करें। अभी पिछले दिनों मेरी मुख्यमंत्री से मुलाकात थी, जो उनकी घोषणाएं थी 100 बेड के हॉस्पिटल की भी थी और भी अपने कैंसर हॉस्पिटल की भी थी, बाईपास की थी या ये आपकी बस स्टैंड की भी थी। तो मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था भी पिछले लंबे समय से पहले किन्हीं कारणों से पिछली सरकार में ये काम पूरे नहीं हो पाए थे, कुछ जमीनों के अदला बदली थी या जो भी था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी या जैसे भी। अब सरकार को ये लग रहा है कि जो लैंड ओनर थे शायद जिस क्राइटेरिया में ई पोर्टल में भूमि डालकर उनकी वैल्यू जो बढ़ती थी वो उस वैल्यू से कुछ ज़्यादा पैसा मांग रहे थे, इसलिए सरकार ने वो साइट करके दूसरी साइटें अभी कुछ ही दिनों में डिसाइड करके उस पर बस स्टैंड बनाने का काम लगता नहीं है कि राजनीति अभी होगी इसमें कोई राजनीति नहीं है इसमें बेसिकली जो एक पैसे की बात थी, जैसे वहाँ में जो जितना हमने इस केस को समझा था कि रोड से अगर आप 1-1.5 एकड़ तक जो कलेक्ट्रेट है उस पर जो आज पहले जैसे हमारे बाईपास की जमीन एक्वायर हुई थी उस रेट में भी उनको पैसे देना चाहते थे, लेकिन वो कुछ ज़्यादा पैसे शायद विभाग से चाहते होंगे, सरकार से चाहते होंगे, तब जाके ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर या ट्रांसपोर्ट विभाग ने फैसला लिया कि इस साइट पर ना करके सस्ती ज़मीन जहाँ मिले वहाँ करके बस स्टैंड बनाया जाए। लगता नहीं है कि क्योंकि पहले पिछले 5 वर्ष से अदर में लटका हुआ है बस स्टैंड का मामला, अभी और 5 वर्ष और लटक जाएगा तो इसमें नहीं लटकेगा, नहीं है परेशानी, नहीं कोई परेशानी नहीं, ये मुख्यमंत्री ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, इसको बड़े फास्ट ट्रैक पे किया जाएगा। अभी इसके ई पोर्टल पे और एप्लीकेशन लेकर इसको अगले 1-1.5 महीने में जगह को फाइनल करके और बस स्टैंड टोहाना का बहुत जल्दी टोहाना वाले को बना के दिया जाएगा।
किसी कारण से ये बस स्टैंड नहीं, ये जो सरकार में बैठ के सरकार की पॉलिसियों का दुरुपयोग राजनीतिक लेवल पर लोग कर लेते हैं, लेकिन अब ये टोहाना में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ये जो बाईपास का इतना लंबे समय से रुके रहना, ये ज़मीनों के क्रोध फ्रोक करते हैं, जब उनको प्लानिंग पता लगे डेवलपमेंट की तो उसके आसपास वो इस तरह की एक ये भूमाफिया सक्रिय हो जाता है। उसमें अब कौन लोग इन्वॉल्व थे कौन नहीं थे तो मैं नहीं बता सकता, वही कारण तो नहीं रहे। अब इसके बारे में मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक विभाग की बात है, जहाँ तक मुख्यमंत्री जी की बात है, बस स्टैंड टोहाना वालों को बहुत जल्दी बढ़ के मिलेगा। सर आप जी ने बताया कि जब मुख्यमंत्री जब 5.5 साल पहले यहाँ आए थे, उन्हें घोषणा की थी बस स्टैंड की, बस स्टैंड बनते बनते भी निरस्त हो गया, क्या कारण रहा है इसका? नहीं, निरस्त नहीं हुआ, इसकी ज़मीन की खरीद के लिए प्रक्रिया चल रही है, तो जो ज़मीन की जो नेगोशिएशन है वो पार्टी के साथ की गई थी और वो प्रस्ताव वहाँ पर एड ऑफ डिपार्टमेंट के पास भेजा गया था, लेकिन अब इसकी पुनः नेगोशिएशन की जाएगी, उनसे बात हो चुकी है पार्टी से, तो हम उसी के करियर में लगे हुए हैं। तो अब 5.5 साल तो हो गए पहले घोषणा हुई और उसके बाद अब दोबारा से प्रक्रिया शुरू होगी, तो दोबारा से समय और लगेगा इसमें, अगर ये निरस्त हो गया है, वो स्थान निरस्त हो गया है तो समय और लगेगा इसमें। नहीं, इसी की हम पुनः नेगोशिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात हो चुकी है पार्टी से, तो इसमें काफी कितना समय लग जाएगा? नहीं, समय तो हम प्रयास कर रहे हैं जल्दी इसको 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में जल्दी से सिरे चढ़ाएं।